कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष के रूप में राजीव वर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव वर्मा ने पब्लिक एशिया के संवाददाता नीरज अवस्थी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में और सभी मीडिया साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का कार्यक्रम संभाला है। तो समाज को आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ ऐसे लोग जो कि सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से ओबीसी समाज के लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं यहाँ पर। और आज आपने देखा होगा कि एक बहुत ही साधारण परिवार के साथी को एक कांग्रेस कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने एक, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी दी है। और जिम्मेदारी उस समय में दी है कि जब पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी समाज का जितना तिरस्कार हो रहा है आज पूरा देश देख रहा है। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ अपने कांग्रेस की, हमारी लीडरशिप का, हमारी बहुत ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी के कैप्टन अजय यादव जी का और मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह लवली जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दीप बाबरिया जी का, जिन्होंने मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है कि मुझे ओबीसी डिपार्टमेंट, ओबीसी विभाग का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं इसके लिए तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज ओबीसी वर्ग के लिए जो बड़ी बड़ी, बड़ी बातें आज केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया, आज जो हम याद दिलाना चाहते हैं कि उस ओबीसी समाज का क्या हुआ। जब हम बात करते हैं कि ओबीसी समाज की गिनती की हम बात करते हैं तो सरकार का काम करते हैं, आपने हाल ही में देखा होगा, आपने बिहार के अंदर जीता जाता उदाहरण अभी पिछले 10 दिन और 5-7 दिन पहले आपने देखा, नीतीश जी के द्वारा जिस तरीके से जनगणना की बात हो रही है ओबीसी समाज के, हम पूरे देश में चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जनगणना की बात करते हैं तो करिए, पता चले कि ओबीसी समाज को क्या आपने दिया है, सरकारों में आपने क्या उनको भागीदारी दी है, आपने प्रशासन में उनको कितनी जिम्मेदारी दी है, लेकिन आप बोलने के नाम पर कहते हैं लेकिन करने के नाम पर आप जीरो हैं। तो इसलिए उन्होंने जब बात रखी, उन्होंने नीतीश सरकार को तोड़ने का काम किया और अपने साथ उनकी तो सीसीसी कर रही है, या तो आप बीजेपी में शामिल हुई है नहीं तो आपके खिलाफ ईडी को लगा देंगे, इनकम टैक्स को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे। जिस तरीके से दरार करके आज देश का माहौल केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के उस माहौल को और भारत के, मैं समझता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को जो उन्होंने संविधान के रूप में सजा करके इस देश को जो जो ताकत देने का काम किया था, आज संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है। आइए आप देख लीजिए किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मैं आप साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज के साथ साथ अन्य जो दिल्ली के अंदर और भी समाज है, उन तमाम समाजों को लेकर हम साथ चलेंगे और मजबूती से काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ओबीसी समाज का तो हित ही होगा, साथ ही साथ कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किस तरीके से तमाम समाजों का, ओबीसी वर्ग के साथ साथ दलितों का, उसके साथ साथ हमारे वंचित भाई जो हमारे माइनॉरिटी के साथ हैं उनका, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे, मजदूर का, किसान का, जो हक आज भारतीय जनता पार्टी ने मारने का काम किया है, देखिए किसानों के साथ भी पीछे क्या किया था और आज वो झूठे तरीके से, किस तरीके से, मैं कहूंगा कि किसानों के साथ काम किया, आज देश का किसान और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा दुखी है। वो हमारी माताएं जिनको समय पर पहले पेंशन आती थी, समय पर उनको राशन भी मिलता था, आज केवल झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है और उन्होंने नारा दिया था, आपने देखा होगा
अब मैं आज दिलाना चाहता हूँ 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार की बार मोदी जी सरकार, तो मोदी जी सरकार ने कौन सी महंगाई कम की कोई बताएगा? 10 वर्ष में महंगाई कितनी बढ़ी है? उन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2022 तक हम डबल कर देंगे। अरे माफ कीजिए, आप डबल नहीं महंगाई बढ़ गया, चार गुना कर दिया है। और किसान तो आज मजबूर है, वो किसान अपनी जमीनों में वो मजबूर है, वो बेचारा किसानी नहीं कर पा रहा है इस तरीके से। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, मैं उसको घर घर तक लेकर जाऊंगा। और जब तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और लोकतंत्र का सम्मान नहीं बढ़ेगा, लोकसभा 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापस इस देश में वापस आएगी और जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है और ओबीसी समाज के साथियों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह धीरे देखिए, बीजेपी एक्टिविटी किस काम है? बीजेपी एक्टिविटी है लोगों को तोड़ने में। वो हर रोज हर घंटे पे बैठ के क्या करते हैं कि अब हमें कौन से स्टेट में तोड़नी है, किसके घर ईडी भेजनी है, किसके घर इनकम टैक्स की रेड लगानी है, सीबीआई लगानी है। माफ कीजिए, ऐसा कभी लोग तब मान ईडी का कभी अपना नाम सुना? ईडी के पहले लोग लेते कि आप ईडी की जब जांच होती है तो केवल 2% 3% के अलावा नहीं है, यानी 97% आप झूठे पे मतलब बचा सकते हैं। और जब लास्ट में ईडी की रिपोर्ट निकल गई और पूरा आप जो चार्जशीट आती है और रिपोर्ट के सामने जब लास्ट में आता था कहते थे कि इनको तो बनता नहीं था, तो केवल डरा करके। और बीजेपी ने तो वॉशिंग मशीन का काम करते, जो बीजेपी में आएगा वो धुल जाएगा। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं आज, क्या आप देख लीजिए, चाचा गुरुवल से लेकर के अजीत पवार से लेकर के किस तरीके से उनको रातों रात आप अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। और एक ही रात में कभी सुबह 5 बजे राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, कभी रात के अंधेरे में काम करते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से उन्होंने झारखंड के अंदर किया है, पूरा देश देख रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश का आज आम आदमी किसान मजदूर जाग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आया, जिस तरीके से तोड़ने की राजनीति करते हैं, लोगों को डराने की करते हैं, लोगों को इनकम टैक्स और आईडी से और ईडी से डरा रहे हैं, इन समय में आने वाला है कांग्रेस की सरकार। राहुल जी के जो मेहनत और प्रयास है, जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक पहले पदयात्रा निकाली और आज पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिस यात्रा पर राहुल जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीटिंग्स अभी ओबीसी की तरह राजनीति देखी जाए तो ओबीसी के लिए एक नया चेहरा उभर रहा है। हमारे अगर देखा जाए कि दिल्ली के पूर्व दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो पूर्वी दिल्ली में हुआ था सीधा जी के जमाने में। तो आज ओबीसी उचित न्याय नहीं पाया है, उसी को देते हुए आज एक कार्यकर्ता रूप में मेरे शिष्य संगठन में आदरणीय हमारे खड़े के लिए और हमारे और प्रदेश अध्यक्ष माननीय जिम्मेदारी है कि मुझे ओबीसी के रूप में शहर में बनाया है। और आज ओबीसी सम्मान और उनका सम्मान कैसे आया है, कुछ कुछ न्याय कैसे लगाया है, और किसी के भी साथ में छे हैं।
इंडिया और एनजी सबसे पहले अलग कर रहे हैं। इंडिया में वो है सच्चाई मामला ने कहा किसान की मजदूर की दलित की महिला को मना नहीं किया और एनजी में बोल रहे हैं कि लोगों की नाराजगी फैल रही है। इस तरह सरकार के नाराज हैं और आपको मैं यही सारा पापा दादा के सफर लगाते हैं तो एनजी जो नाराजगी से बात कर रहे हैं और इंडिया में घुस रहा है और मोदी जी खत्म कर दिए रोडों पर पानी नहीं है। ये आज की देश का किसान सारे सातों किसानों ने सहायता दी थी और ये नरेंद्र मोदी जी की आज पार्टी खत्म हो रहा है सारा हमारा ही सरकार जिससे लोगों को गैंग किया और बस बोला कि हम लोग उन लोगों को तीनों बाबा को मान ले और अपने रोक दिया उस समय। लेकिन आज किसान के कितनी लेकिन और जो सब दिखाया अपने और मजबूती से हम चाहे गठबंधन में रहे या बिना गठबंधन में रहे हम सारा सीटों और कांग्रेस की मजबूती लगा कर काम करेंगे या तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए सवाल है वो जीत के क्या ओबीसी से जीत के मैं चाहता हूँ देखा जाए तो 50% आंकड़े को सरकार ने देखे आंकड़े से सरकार ने देखे प्रधानमंत्री ने और